here, Preeti Yadav, in front of you from Puran Murthy Global School. I'm just going to define the component of computer. This topic is very common in junior classes. Now, let's start our topic, computer's component. When we are just defining the component of computer, basically we have to take two parts, the hardware and the software. The hardware part is that if you are just watching the component and it is able to touch even, for example, all physical component of the system like monitor, CPU, printer, keyboard, ये सब category में आएंगे hardware के. मैं यहाँ पे system की बात कर रही हूँ. System की बात करने का मतलब क्या है कि system के अंदर सारी चीज़ें involved हों, सारे physical component जो computer से related है. For example, हमने monitor लिया, ये भी further part है as a output. CPU ये भी एक brain considered है. Printer also in category of output. And keyboard is category of input. So I am picking here hardware. Hardware वो part जो physically visible है, जिसे हम touch भी कर सकते हैं. Electronically हो, इनकी हम features अगर देखें, first of all, the first feature is that physical part should be there. Physical part हो, second, electronic. अगर इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो वो ऑटोमेटिक से कनेक्शन होंगे. हेलो एवरीवन, हियर प्रीति यादव इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम पूरन मूर्ति ग्लोबल स्कूल. हियर आई एम डिफाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. This topic is very common in junior classes. When we are just going to solve or to define the component of the computer, then we are just taking two parts. First is hardware and second is software. अब hardware होता क्या है? अगर हम बात करते हैं hardware की, तो physical component, जितनी भी physical component computer के अंदर required है, वो सारे included होंगे hardware के अंदर. Okay? अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो लेट मी टेक फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन फीचर आई एम टेकिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी ऑफ फिजिकल. एक फिजिकल कंपोनेंट हो, उसका भी वो विजिबल हो. सेकेंड थिंग इलेक्ट्रॉनिक. अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो वो ऑटोमेटिक होगा. थर्ड वन कैन बी टस्ट. यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल कॉम्पोनेंट, सेकेंड वन इलेक्ट्रॉनिक एंड द थर्ड वन कैन बी टस्ट. ये कैटेगरी में आएंगे हार्डवेयर की. अब मैं अगर हार्डवेयर की बात करती हूँ तो हार्डवेयर में जितने भी हमारे कॉम्पोनेंट यहाँ पे मैं ले रही हूँ कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर. हमने जैसे यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किए दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर के अंदर मैंने कंडीशन ली है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड कैटेगरी डस. तो ये तीनों कैटेगरी इनमें डिफाइन होती हैं. मॉनिटर है, फिजिकल ही है, इलेक्ट्रॉनिक है और टच भी कर सकते हैं. सेम इन द वे we are taking CPU, further printer, then afterwards I take keyboard. तो ये category बन जाएंगे hardware की. इतना ही नहीं है, इससे आगे भी अगर हम देखें joystick, mouse, ये सारी category में included होंगे. Next हम लेते हैं software को. अगर हम software की बात करते हैं तो software के अगर हम features लेके चले, can be seen but not touched. जिसे हम देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते. ठीक है, वो किस कैटेगरी में आएंगे?
सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। पार्ट किसका है? कंप्यूटर का। ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं रखता। हार्डवेयर की जितनी भी हम एप्लीकेशन करते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर होती है। दोनों का ही उतना इम्पोर्टेंस है। बट मेन थिंग क्या है कि इनकी हम सी कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम इनका एग्जाम्पल लेते हैं, एमएस पेंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, टक्स पेंट, जितनी भी हमारी शीट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर एक इनबिल्ट है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप कुछ भी उसके अंदर वर्क एरिया डिफाइन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई शीट बना रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, बट इन सिस्टम ओनली, यू आर नॉट टेकिंग हार्ड कॉपी। वो किसके अंदर डिफाइन होगा? सॉफ्टवेयर के अंदर। अब यहाँ पे अगर आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन वन मोर थिंग, दैट इज हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। अगर मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ओनली इन वर्किंग में रखती हूँ अपने पीसी के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, तो वो डिफाइन कौन करेगा? सॉफ्ट कॉपी। और अगर उसी डॉक्यूमेंट को मैं बाय हैंड ले लेती हूँ, ठीक है, उसका प्रिंट आउट ले लेती हूँ, तो वो कौन डिफाइन करेगा? ठीक है जी, हमारा बेसिकली कॉम्पोनेंट से क्रिएटेड मैटर है, डेट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इनकी कैटेगरी भी डिफाइन करते हैं। कैटेगरी की डेफिनेशन की बात करें, हार्डवेयर के अपने पार्ट हैं और सॉफ्टवेयर के अपने पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर के पार्ट्स की। अगर मैं हार्डवेयर के पार्ट्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे हार्डवेयर के तीन पार्ट्स हैं या फिर तीन कैटेगरी हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी यूनिट। मैं इनपुट डिवाइस की अगर बात कर रही हूँ, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस हैं विच ए इनपुट, इसे हम डेटा भी कंसिडर करते हैं। आउटपुट की बात करते हैं देन विच गिव्स आउटपुट, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। मेमोरी यूनिट की बात करते हैं, ये है हमारे पेरिफेरल डिवाइस या फिर एक्स्ट्रा मॉड्यूल। लेट मी फर्स्ट डिस्कस द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होता क्या है? ऐसे डिवाइस जो इनपुट ले, अगर हम कुछ भी कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जस्ट गिव डेटा, हमें उसे डेटा देना पड़ेगा। डेटा क्या है? डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे न्यूमेरिक हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो, या आपकी वॉइस रिकॉग्निशन की कोई भी वॉइस एप्लीकेशन सिस्टम भी हो सकती है। ठीक है, आप इनपुट रिगार्डिंग वर्क जिसमें भी करते हैं वो इनपुट डिवाइस कंसिडर होता है। तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया विच टेक्स डेटा, जो हमारी डेटा को ले रहा है। नाउ आई एम टेकिंग आउटपुट डिवाइस, द सेकेंड वन डिवाइस आउटपुट, विच गिव्स आउटपुट, जो हमें आउटपुट देता है। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। विदाउट डेटा इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इन्फॉर्मेशन। जब तक हमारे पास डेटा है देन वी कैन टेक इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप इन्फॉर्मेशन को ले ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक इन्फॉर्मेशन विदाउट डेटा। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट ऐसा पार्ट है जो इन दोनों से बिल्कुल सेपरेट है, इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है मेमोरी यूनिट का। ये एक पेरिफेरल डिवाइस को कंसीडर करता है। कई बुक्स में मेमोरी यूनिट में मिलेगा और कुछ बुक्स में ये आपको पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में मिलेगा। द सेम थिंग अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें या फिर पेरिफेरल डिवाइस, तो ये सेम ही आएंगे। यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग सी डी,
pen drive, floppy, DVD. ये किसकी कैटेगरी में है? एक्स्ट्रा मेमोरी की कैटेगरी में. जो पोर्टेबल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल जिन्हें हमें पोर्ट ओरिएंटेड कनेक्ट करना पड़ता है, ये कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं होते. देखिए जब हमें रिक्वायरमेंट होती है देन वी आर यूजिंग दिस. सीडी की जब आपको रिक्वायरमेंट है तब आप यूज कर रहे हैं, पेन ड्राइव की जब रिक्वायरमेंट है तब आप यूज कर रहे हैं. सेम एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग फ्लॉपी एंड डीवीडी. इनकी जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आप तभी इनका यूज करोगे. ठीक है, इसलिए मैं इन्हें एक्स्ट्रा मॉड्यूल में कंसिडर कर रही हूँ. अब मैं आती हूँ इनपुट डिवाइस है कौन से. ऐसे कौन से डिवाइसेज हैं जो इनपुट की कैटेगरी में आते हैं. अगर मैं इनपुट की कैटेगरी की बात कर रही हूँ देन आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन एंड विच इज वेरी कॉमन, दैट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड से हम अपने डेटा एंटर कराते हैं, हम कुछ भी फीड कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कीबोर्ड. सेकेंड वन माउस. अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इनपुट डिवाइस की बात कर रही हूँ देन आई एम टेकिंग कीबोर्ड एंड माउस. जस्ट बिकॉज ऑफ डैट, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या काम कर रहे हैं, इनपुट को कंसिडर कर देगा. जब तक कंप्यूटर के पास इनपुट नहीं होगा तब तक वो अपने डेटा को डिफाइन नहीं कर पाएगा. आई एम टेकिंग नाउ आउटपुट डिवाइस. अब आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में क्या है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, जो कि बहुत कॉमन है. नेक्स्ट इज स्पीकर, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हमारे लिए विजिबल भी है ऑडिबल भी है. अच्छा एक चीज और जरूरी नहीं है वो विजिबल ही हो, आपके लिए ऑडिबल भी हो सकता है. मीन्स आपको आउटपुट मिले. ठीक है, यहाँ पे मैं मॉनिटर को भी कंसीडर कर लेती हूँ. देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ. नाउ सी मेमोरी यूनिट वी हैव ऑलरेडी कंसीडर. अब अगर हम बात करते हैं समराइज करने की, तो हार्डवेयर में हमने क्या समराइज किया है, इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट. इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट की भी फर्दर कैटेगरी है. कैटेगरी डिफाइन करती है कि वो क्या काम कर रहे हैं. यहाँ पे कीबोर्ड माउस देखो, कीबोर्ड हमारा ओवरऑल सारा टाइपिंग का वर्क कर रहा है, माउस हमारा मूवमेंट ओरिएंटेड है. लेकिन अगर हम देखें एरो की जो कीबोर्ड में होती हैं, जितने भी एरो कीज हम यूज़ करते हैं वो एक्सेप्शन ऑफ माउस होती है, माउस के एक्सेप्शन का काम करती है. यहाँ पे प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, स्पीकर होते की वॉल्यूम होते की वॉइस, मॉनिटर आपको स्क्रीन पे शो करता है दैट व्हाट यू आर डूइंग. फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ भी वर्क किया है, आप यू जस्ट शोइंग, आप वो किस में दिखा रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में. तो हम यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, एज अ सॉफ्ट कॉपी का. ठीक है, और वही चीज सॉफ्ट कॉपी की अगर मैंने प्रिंट की कमांड दे दी है, प्रिंटर में आई है, तो वो क्या कंसिडर होगी, हार्ड कॉपी. यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है. ठीक है, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पर. नाउ वी विल प्रोसीड टू द पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. यहाँ पे सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी फर्दर पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन ऑपरेटिंग, सेकेंड वन लैंग्वेज एंड थर्ड वन यूटिलिटी. मोस्ट ऑफ दे आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग और यूटिलिटी के साथ हमने सॉफ्टवेयर कंसीडर किया है. सॉफ्टवेयर कंसीडर करने का एक रीज़न है बिकॉज वी आर जस्ट अपडेटिंग, हम इन्हें अपडेट करते रहते हैं, तभी इनके आगे मैंने सॉफ्टवेयर कंसीडर किया है, ऑपरेटिंग के साथ भी और यूटिलिटी के साथ भी. लैंग्वेज के साथ मैंने सॉफ्टवेयर कंसीडर नहीं किया. लैंग्वेज के साथ मैंने प्रोसेसर कंसीडर की है बिकॉज वी आर यूजिंग प्रोसेसर फॉर लैंग्वेज. नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. देखो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक यूज़र और कंप्यूटर दोनों के बीच में मिडल लेयर का काम करता है.
यूजर डज नॉट नो अबाउट हाउ टू स्टार्ट द सिस्टम. यूजर को नहीं पता कि सिस्टम को कैसे स्टार्ट करना है. सिस्टम स्टार्ट करते ही देयर आर सो मेनी ऑप्शन और वो सारे ऑप्शन एक रिटन फॉर्मेट में होते हैं. यू हैव टू चूज एमएस ऑफिस. एमएस ऑफिस में भी फर्दर ऑप्शन है कि आपको क्या चूज़ करना है. वो कौन बता रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स अस हाउ टू ऑपरेट द सिस्टम. ठीक है, तभी हम यहाँ पे ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं. चाहे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इट इज़ द सेम थिंग. नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर किसका काम करेगा? डेट वी आर यूजिंग विच काइंड ऑफ लैंग्वेज हेयर. हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? वो लैंग्वेज ओरिएंटेड फॉन्ट है हमारे सिस्टम में या नहीं है? ठीक है, जैसे कि आप इसमें हिंदी फॉन्ट भी यूज़ करते हो तो वो इसी की कंसीडरेशन में आएगा. नेक्स्ट वे आई एम टेकिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन वर्क क्या होता है? कि यूटिलाइज करना हर चीज़ को, या फिर यूजेज ऑफ डेटा. बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारे कंप्यूटर का. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग हियर, इट विल बी कंसिडर इन थ्री कैटेगरी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर. यहाँ पे मैंने तीन कैटेगरी बनाई अपनी, एक कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की और असेंबलर की. कंपाइलर की अगर मैं बात करूँ, ये क्या करता है कंपाइलर? हमारी असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर देता है. ठीक है, जितने भी हम लैंग्वेज करते हैं सबका एक फॉर्मेट होता है. सेम ऐसी हमारी असेंबली लैंग्वेज है. असेंबली लैंग्वेज बहुत पुरानी लैंग्वेज है जिसमें हम मेनोमोनिक या कोड यूज़ करते थे. ठीक है, जैसे कि ऐड के लिए हम ए डबल डी एड वर्ड यूज़ करते थे. वी वर नॉट यूजिंग ऑन दैट टाइम प्लस साइन. तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज का. कंपाइलर क्या करता है? असेंबली से कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करता है. नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर का क्या काम है? इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को मशीनरी लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, यानी कि कोड में. नाउ असेंबलर. असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है. अगेन दोनों में डिफरेंस है, ये प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है और ये असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में चेंज कर रहा है. वन मोर थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर, अगर मैं मशीन लैंग्वेज की कहीं भी बात करती हूँ, इट मीन्स आई एम टेकिंग ज़ीरो एंड वन. जहाँ भी मशीन लैंग्वेज की बात होगी वहाँ पर ज़ीरो और वन की बात हो रही है. अब अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करती हूँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर काम दोनों वही कर रहे हैं. ठीक है, चेंज करने का, ट्रांसमिट कर रहे हैं डाटा को फ्रॉम वन टू अनदर. बट जो हमारा कंपाइलर है ये पूरे प्रोग्राम को एक ही टर्न में कंप्लीट कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है. लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन काम करता है. फर्स्ट लाइन को सॉल्व करने के बाद सेकेंड लाइन को सॉल्व करता है. तो फिर इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं, अगर ये कंप्लीट वे में काम कर रहा है. ठीक है, कंपाइलर अगर कंप्लीट वे में काम करता है तो ये टाइम कम लेगा. इंटरप्रेटर की अगर बात करते हैं, अगर वो लाइन बाय लाइन काम कर रहा है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा. अगर कंप्लीट वे में काम कर रहा है दैट्स वाई इट इज टाइम सेवर. अगर वो लाइन बाय लाइन काम कर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा है. ठीक है, एक चीज़ और कंसीडर होती है यहाँ पे, अगर हम कंप्लीट काम कर रहे हैं, टाइम सेवर तो है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम ओवरऑल एक बार में सारा काम करें, बर्डन भी हमारे ऊपर. और उससे भी बड़ी बात, यहाँ पे स्टोरेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोरेज की भी और स्पीड की भी. एक बार में सारा काम आपने दे दिया, उसके ऊपर वर्कलोड आ गया है, तो वो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर. लेकिन ये लाइन बाय लाइन वर्क कर रहा है. ठीक है, टाइम तो ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन किस
टाइम जो ले रहा है वो एग्जीक्यूशन में ले रहा है। ट्रांसमिट करने की अगर मैं बात करूँ, ट्रांसमिट जल्दी कर देगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में इसका टाइम ज़्यादा होगा। सेम असेंबलर, असेंबलर का कोई टाइम से या स्पीड से कंसिड्रेशन नहीं है। असेंबलर काम करता है एज अ कोडेड लैंग्वेज। कोडेड लैंग्वेज हमारी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो है असेंबली। असेंबली लैंग्वेज का आजकल हम यूज़ नहीं करते, वो पहले डाटा स्ट्रक्चर में, डाटा आर्किटेक्चर में हम यूज़ करते थे, बट स्टिल इन कंसिड्रेशन, क्योंकि कई बार कुछ कोड ऐसे होते हैं जो डिफाइन किससे होते हैं, इन बिल्ट लैंग्वेज से, और ये ऑलरेडी काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज है, साथ के साथ ही कंप्यूटर में इनबिल्ट थी। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हेयर द थर्ड वन पार्ट, असेंबलर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के सेकंड पार्ट की, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी फर्दर तीन कैटेगरी हैं, डेट इज़ जनरल पर्पस, कस्टमाइज्ड एंड स्पेशलिस्ट। अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो हमारे एप्लीकेशन ओरिएंटेड हैं, मीन्स जिनकी हमें नीड पड़ती है हमारे पर्पसफुल वर्क के लिए, कि क्या पर्पस है। ज़रूरी नहीं है कि हमें उस वक्त ही नीड हो, ऑन द स्पॉट भी हमें नीड हो जाती है किसी सॉफ्टवेयर की, तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। डैट इज़ वाई इट इज़ कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला गया है। अब मैं इनकी फर्दर कैटेगरी की अगर बात करती हूँ, फर्स्ट कैटेगरी आई एम टेकिंग जनरल पर्पस। जनरल पर्पस जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, ठीक है। इनकी हमें नीड नहीं है बार बार इंस्टॉल करने की। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं इनबिल्ट की बात कर रही हूँ, ये तीनों मेरे इनबिल्ट की कैटेगरी में हैं जो ऑलरेडी हैं, बट दो तीन चीज़ें और कंसीडर होती हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए फॉर योर रनिंग पर्पस, फॉर एग्जांपल अडोब, अडोब फोटोशॉप चाहिए, ओपन ऑफिस चाहिए, ये चीज़ें हमारी जनरल पर्पस के अंदर आती हैं, क्योंकि इनके बिना तो वैसे भी वर्क पॉसिबल नहीं है। ये सब हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब मैं बात लेती हूँ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। कस्टमर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग यूज़र, आप यूज़र हैं, आपको किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को कंसिडर करूँगी। अगर मैं स्कूल से रिलेटेड वर्क लेती हूँ, स्कूल में हम जो बच्चों को फी रिसीट देते हैं, फी रिसीट का एक मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो फॉर्मेट एक सॉफ्टवेयर के अंदर कंसिडर करती हूँ, चाहे वो टैली का हो, चाहे मैंने अडोब से लिया हो, चाहे मैंने वो वीबी के अंदर बनाया हो, तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं, कस्टमाइज के अंदर आते हैं। अच्छा, एक चीज और, लेट मी क्लियर हियर वन थिंग मोर, जी हमारे वैलिडिटी के अंदर होते हैं। वैलिडिटी यहाँ पे 6 मंथ की हो सकती है, 1 मंथ की हो सकती है, 1 ईयर की हो सकती है, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी बिल्ट नहीं है, इन्हें हमने बिल्ट किए, इन्हें हमने अपने कंफर्ट जोन के लिए बनाया है, तो इनकी वैलिडिटी हमें डिफ़ाइन करनी पड़ती है, ठीक है। इनकी वैलिडिटी को डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, इनमें हमें बस रिन्यू करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें वैलिडिटी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर जस्ट क्रिएटिंग, हमने क्रिएट किया इन्हें। अब मैं बात करती हूँ स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर की। स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर जिनकी बहुत ज़्यादा स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, कभी हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो हमने उस वर्क के लिए इन्हें डिफाइन किया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे टैली को ले लो, कोई लैंग्वेज ले लो, ठीक है, ये सारी इसके अंदर कंसीडर, सी शार्प ले लो,
लैंग्वेज ओरिएंटेड इसके अंदर आ जाएगा, मोस्टली लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर इसके अंदर आएगा। अब बात मैं यहाँ पे जो अडोब फोटोशॉप की कर रही थी, वो भी हमारा स्पेशलिस्ट में कंसीडर होता है, बट इट इज़ नॉट लैंग्वेज ओरिएंटेड। लैंग्वेज ओरिएंटेड हमारी इसी के अंदर आएंगे, जिसे हम बोलेंगे स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट्स को डिफाइन किया, जनरल को, कस्टमाइज को और स्पेशल को। तीनों को डिफाइन करने के बाद आई एम जस्ट टेकिंग समरी। समरी में लेट मी टेक वन थिंग, सो आज हमने किया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। हमने हार्डवेयर में ये डिफाइन किया कि जितने फिजिकल कंपोनेंट हैं, जो सीन भी हो सकते हैं, टच भी हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, वो हमारे हार्डवेयर कंसीडर होंगे। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ऐसे पार्ट जिन्हें हम सीन कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, बट वो एक डॉक्यूमेंट एरिया है और एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, तो वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। हार्डवेयर को हमने तीन कैटेगरी में डिफाइन किया था, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी में। ऐसे हमने सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि हर एक पार्ट की अपनी एक एप्लीकेशन है, अपना ऑपरेशन है, अपनी फीचर है। तो आज के सेशन में हमने इन कंपोनेंट को डिफाइन किया, नेक्स्ट सेशन में मैं हर एक पार्ट को डिफाइन करूँगी कि हर पार्ट का क्या ऑपरेशन है प्लस उसकी फीचर के साथ। तो टिल येट यू हैव टू रिवाइज दिस कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो थैंक यू सो मच फॉर टूडे।